ऑल राइट, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सबको. कोई पूछ रहे थे कि ये ग्रो ऐप कैसा है. इसमें कोई बोल रहे थे कि सर्वर इशू है. कुछ प्रॉब्लम नहीं है. कभी कभार हर एक ऐप में भी ऐसे ही होता है जो सर्वर इशू. ठीक है, तो ये है ग्रो ऐप. ये कंप्यूटर पे ऐसा दिखता है. ठीक है, देख लो, निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और पूरे स्टॉक्स इधर हैं. बहुत ही अच्छा यूज़र फ्रेंडली है. पूरा डेटा आपको इधर मिल जाएगा. अगर आप ज़ेरोधा यूज़ कर रहे हैं बोले तो सेंसिबुल करके एक ऐप है, वो यूज़ करना पड़ता है पूरा डेटा एनालाइज करने के लिए. ठीक है, तो ये है ग्रो ऐप. और हम अभी सुबह एक्सपायरी है फिन निफ्टी. फिन निफ्टी उसका एनालिसिस करते हैं. ठीक है, तो फिन निफ्टी इधर है. ऑलरेडी चार्ट खोला हूँ मैं, तो देख लो, ये फिन निफ्टी चार्ट है. ठीक है, एक चौपी ट्रेड कहाँ शुरू हुआ, वहीं पर आके ख़त्म हो गया ट्रेड. पता नहीं था कि ऐसा होता है. बड़ा सा गैप अप इधर से इधर तक, और इधर तक जाके और दोबारा उधर ही आके मार्केट. सुबह कैसे मालूम नहीं. और तो सुबह का एनालिसिस अभी करेंगे तुरंत. ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल में. ठीक है, तो देख लो, अभी आपको कॉर्नर्स ढूंढना है जहाँ से मार्केट पलटा ऊपर के लिए या नीचे के लिए. आपको इजी फाइंड करना बोले तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे आओ. ठीक है, इधर आगे ये ऑल टाइम हाई, ये ऑल टाइम हाई है. उधर एक लकीर खींचेंगे. क्लियरली आपको कॉर्नर्स मालूम होना बोले तो ये चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट से लाइन चार्ट, लाइन पे आ जाओ. ठीक है, तो देखो कॉर्नर इजी इधर मिल गया एक कॉर्नर. ठीक है, और एक इधर एक कॉर्नर है. फर्स्ट रेजिस्टेंस ये, सेकंड रेजिस्टेंस ये, और मार्केट ये सपोर्ट को तोड़ के रेजिस्टेंस बना लिया है. और ये एक रेजिस्टेंस. ठीक है, अभी 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आओ, आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा कि कॉर्नर जो मार्केट पलटा था, ये मेन रीज़न. तो इधर से मार्केट इधर तक आया और इधर से पलट के है. ठीक है, तो एक्चुअली ये गैप फिल हो गया है. ये गैप जो है इधर से फिल हो गया है. तो इधर एक लाइन खींचना है, मेजर सपोर्ट रहता है. क्यों बोले तो गैप होके ये रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के निकला है. देख रहे हैं, ये तोड़ के ऐसा निकला है. तो मार्केट इधर आएगा, डेफिनेटली इधर से पलटेगा, इधर से एक कॉर्नर बनेगा. ठीक है, तो यही है सेटिंग. तो फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकेंड रेजिस्टेंस, और ये एक थर्ड रेजिस्टेंस. इधर सपोर्ट है और बाकी इतना तो बस है. ठीक है, और इसमें कैंडल स्टिक में लेके आओ तो आपको एग्जैक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मालूम हो जाएगा. मैं हज़ार बार कह रहा हूँ, सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही इधर काम करता है. देख रहे ना, चार्ट तो क्लीन है, कुछ इंडिकेटर्स कुछ भी नहीं है. देखें आज के ट्रेड में भी देख लो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस. सपोर्ट इधर लिया और इधर दोबारा इसको ब्रेक किया, नीचे आ गया. इधर रेजिस्टेंस है, इधर से ब्रेक किया, ऐसे ही नीचे आ गया. सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही इधर काम करता है. ठीक है, तो फिन निफ्टी का एक्सपायरी एनालिसिस ये है जो मैं बना के हूँ. इसी को मैं फॉलो करता हूँ सुबह आफ्टर 2 घंटे के बाद. प्राइस एग्रेसिव मूवमेंट रहता है तो उस टाइम पे हम एक 5-10 रुपये कैप्चर कर लेंगे. ठीक है, तो आज का जो पोजीशन देखेंगे तो 400 रुपीज़ लॉस है, 430 रुपीज़. वो कोई बात नहीं, फिर भी हमारे रूल्स फॉलो किया हूँ तो इसकी वजह से ज़्यादा बहुत लॉस नहीं हुआ. फ़ायदा भी हो गया, लॉस भी हो गया. ठीक है, तो यह है फिन निफ्टी एक्सपायरी एनालिसिस. आई होप तुमको कुछ समझ में आया होगा, लर्निंग के लिए कुछ मिला होगा. ठीक है, तो सुबह देखते हैं, आफ्टर ट्रेड लेने के बाद हम आपसे कांटेक्ट करते हैं या पोस्ट मार्केट एनालिसिस में मिलते हैं. ठीक है, ठीक है, चलो खुदा हाफिज़. अगले वीडियो में देखता हूँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.